हाँ जी, क्या हाल है? ठीक ठाक। अच्छा बच्चों, मेरी आवाज आ रही है ऑनलाइन? बेटा मेरी आवाज आ रही है तो कहीं कंफर्म कर दे मुझे। यस यस मैम, आ रही है। मैम, आते हैं। अच्छा जी, आपका क्या नाम है बेटा? अस्जद। असजद। चले, आपने वैक्सीनेशन करा ली? कोविड हुआ था आपको कब? अच्छा, बेटा आज चलो आप बताओ, हम लास्ट टाइम क्या पढ़ रहे थे? ऑनलाइन तो पढ़ा है ना? ऑनलाइन भी नहीं पढ़ा, क्लासेस नहीं ली हैं? क्यों, ठीक है बात हो, रीजन कौन? नहीं, हाँ जी, ठीक है, लेकिन चलें, एक आपके पास एक चीज तो अवेलेबल थी ना, रिकॉर्डिंग थी लेक्चर से, खुद तो पढ़ना था कि नहीं? चलो ठीक है, पढ़ना तो पड़ेगा, पास होना है तो ऑब्वियसली पढ़ना पड़ेगा। और ये मैं बार बार बता रही हूँ, बहुत एक्सटेंसिव सब्जेक्ट है आपका, ठीक है? हाँ, आज मिड्स को भी डिस्कस करना है। डेट तो खैर अभी तक नहीं फाइनलाइज हुई है, अभी वो नोटिफिकेशन आ जाएगा आप लोगों को, लेकिन एटलीस्ट सिलेबस को जो है ना वो हम डिस्कस कर लेते हैं ताकि आपको पता हो कि आपने क्या उसमें पढ़ना है, ठीक है? अच्छा, क्विज में मेरा ख्याल है सेवेंथ है, सेवेंथ है, फर्स्ट सेवेंथ है, यस। अच्छा जी बेटा, हम नी जॉइंट पढ़ रहे थे, ठीक है? लास्ट टाइम हमने जो है वो लिगामेंट्स को जो है वो डिस्कस किया था, उसकी इंजरीज को देखा था, और आज जो हम चैप्टर शुरू करने लगे हैं वो अब लोअर लिम का लास्ट जॉइंट है हमारे पास, एंकल एंड फुट, ठीक है? बेसिकली एंकल जॉइंट को हम आज डिस्कस करेंगे। अच्छा, तो एंकल जॉइंट के बारे में अगर एनाटॉमी को हम थोड़ा सा डिस्कस करें तो इसमें कौन कौन से जॉइंट्स आ जाते हैं हमारे पास? टिपिकल जो एंकल जॉइंट है वो क्या है, वो कौन सी बोन्स के साथ बन रहा है? फीमर, टिबिया, फिबुला। अच्छा, जो उसकी अटैचमेंट है फिबुला की, वो डायरेक्ट अटैचमेंट है एंकल जॉइंट पर, वो आपकी, हाँ, टिबिया और फिबुला की आपस में अटैचमेंट है, लेकिन जो टिपिकल आपका एंकल जॉइंट है वो आपका टिबिया बोन, और साथ में नीचे से कौन सी बोन आ रही है आपकी, टैलिस, ठीक है? तो टैलो टिबियल जॉइंट जो है उसको हम बेसिकली क्या कहते हैं कि ये आपका एंकल जॉइंट है, ठीक है? या उसको हम टैलो क्रूरल जॉइंट भी बोलते हैं, ठीक? अब ये जो जॉइंट है टिपिकली एंकल जॉइंट, इसके ऊपर हमारे पास दो मूवमेंट पॉसिबल है, डॉर्सीफ्लेक्शन या फिर प्लांटर फ्लेक्शन, ठीक है? अच्छा, अब इससे हम नीचे अगर फॉरवर्ड मूव करें तो हमारे पास एक और जॉइंट आता है जो कि टैलस और कैल्केनियस के दरमियान में बनता है, ठीक है? जिसको हम कहते हैं सब टैलर जॉइंट। वहां पे अगेन हमारे पास दो मूवमेंट्स पॉसिबल हैं जिसको हम कहते हैं इनवर्जन और इवर्जन, ठीक है? तो बेसिक हमारे पास चार मूवमेंट्स हैं जो कि एंकल और फुट, ओवरऑल फुट कॉम्प्लेक्स की अगर हम बात करें तो चार मूवमेंट्स उसके अंदर हमारे पास पॉसिबल होती हैं, डॉर्सिफ्लेक्शन, प्लांटर फ्लेक्शन और इनवर्जन और इवर्जन, ठीक है? अच्छा, इसके अलावा हमारे पास यहाँ पे एक कॉम्बिनेशन भी बनता है कपल्ड मूवमेंट का, ठीक है? अच्छा, फुट के अंदर डॉर्सी, वो सॉरी, एबडक्शन और एडक्शन भी होती है,
ठीक है, वो किस तरह से है कि अगर आपकी फिंगर्स जो हैं वो मिड लाइन की तरफ जा रही हैं, वो आपकी एडक्शन मूवमेंट है, और अगर फिंगर्स जो हैं वो ओवरऑल 4 फुट आपका मिड लाइन से अवे मूव कर रहा है, तो वो आपका क्या है, एबडक्शन है। ठीक है, अब हमारे पास टोटल 6 मूवमेंट हो गई, डॉर्सिफ्लेक्शन, प्लांटर फ्लेक्शन, इनवर्जन, ईवर्जन, एबडक्शन और एडक्शन। ठीक है, 6 मूवमेंट हो गई। अब हमारे पास ये जो 6 मूवमेंट्स हैं, इनकी कपल मूवमेंट्स यानी कि कंबाइंड मूवमेंट्स का भी कुछ पैटर्न्स जो है ना, 2 पैटर्न्स बनते हैं 3-3 मूवमेंट्स के, जिसको हम ओवरऑल क्या कहते हैं, सुपिनेशन या प्रोनेशन। ठीक है, अच्छा, अब सुपिनेशन और प्रोनेशन, वो हैंड वाली सुपिनेशन प्रोनेशन से थोड़ी सी फर्क है। ठीक, नाम सेम है लेकिन फर्क आ जाता है। अब इसमें क्या है कि वो जो कपल्ड मूवमेंट है ना, या जो जो कॉम्बिनेशन ऑफ मूवमेंट्स है, वो क्या है, पहले ये देख लेते हैं कि प्रोनेशन किसको कहते हैं और सुपिनेशन किसको कहते हैं। सिंपल, आपको माइंड में एक इमेजिनेशन डालने के लिए, जो आपका फ्लैट फुट का पोस्चर होता है वो प्रोनेशन का होता है। ठीक है, और उसका ऑपोजिट है जिसमें पेस केविस है, जो कि आपकी आर्चेस बहुत ज्यादा हाई होती हैं जिसके अंदर, वो है आपका सुपिनेशन का कॉम्बिनेशन। ठीक है, वो पोस्चर कह लो कि वो आपका सुपिनेशन का। अब इसमें कौन कौन सी मूवमेंट्स आ जाती हैं वो देख लेते हैं सबसे पहले। अच्छा जी, अगर साथ साथ अगर आप लोग करते रहो तो ज्यादा बेहतर है। अगर हम प्लांटर फ्लेक्शन के साथ एडक्शन का एलिमेंट ऐड करें, प्लांटर फ्लेक्शन करो, प्लांटर फ्लेक्शन के साथ एडक्शन ऐड करो, ठीक है, और साथ में इनवर्जन ऐड करो, आपके फुट में किस किस्म की जो है वो मूवमेंट आ रही है, कि वो जो आर्चेस हैं उनके ऊपर किस किस्म की इफेक्ट पड़ रहा है, हाई हो रही है या डिप्रेस हो रही है। ठीक है, अब इसके ऑपोजिट आ जाते हैं हम प्रोनेशन पे आ जाते हैं। इसका ऑपोजिट क्या है, डॉर्सिफ्लेक्शन। ठीक है, ओवरऑल आपकी जो है वो फ्लैटनिंग आ रही है कर्व्स के अंदर। ठीक, अब इसमें आप एबडक्शन का एलिमेंट ऐड करो, अगेन आपकी मीडियल आर्च जो है वो अगेन डिप्रेस हो रही है, ठीक है, फ्लैटनिंग की तरफ जा रही है, और साथ में आप ई वर्जन का एलिमेंट ऐड करो, अगेन आपका जो लैटरल साइड है फुट की उसको रेज करो, तो ओवरऑल आपकी ये जो मीडियल साइड है वो आपको डिप्रेस होती हुई फील हो रही है, या यहाँ पे एग्जैजरेशन फील हो रही है, स्ट्रेटनिंग हो रही है, स्ट्रेटनिंग, डिप्रेशन, फाइन। तो ये जो कर्व का फ्लैट होना क्या था, प्रोनेशन या फ्लैट फुट, इसको हम पोस्चर लिखो। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है कि जो आपके कॉम्बिनेशन हैं सुपिनेशन और प्रोनेशन, सुपिनेशन आपकी पास केविस पोस्चर के अंदर ज्यादा फॉल करती है, और आपकी प्रोनेशन जो है वो आपके फ्लैट फुट के अंदर आती है, जिसमें आपकी आर्चेस डिप्रेस हो रही है। ठीक है, ये चीज आपने अच्छे से इसको याद रखना है। अच्छा, यहाँ पे थोड़ी सी मेरे से गलती हो गई है कि ये प्लस का साइन एंड पे लग गया, हालांकि वो इज इक्वल आना था। ठीक है, दोनों केसेस में सुपिनेशन और प्रोनेशन, इसको मैं ठीक कर दूंगी बाद में। अच्छा, अब यहाँ पे कुछ नर्व्स भी हैं, डेफिनेटली मोटर एरिया है तो नर्व्स तो होंगी। अब नर्व्स हैं तो वहां पे पॉसिबिलिटी है कि कोई इंजरी भी हो सकती है, तो यहाँ पे जो पॉसिबल नर्व इंजरीज हैं वो आपकी कॉमन पेरोनियल का तो सबसे ज्यादा कॉमन है इंजरी। ठीक, उससे क्या होगा, कॉमन पेरोनियल नर्व बेसिकली आपकी क्या है, शार्टेक की ही ब्रांच है आगे, ठीक है, जो कि आपके फिबुला के लैटरल साइड से हेड से जो है वो डिवाइड होके फिर आगे सुपरफिशियल ब्रांच, और वो क्या कॉमन पेरोनियल इसके बाद ऐसे ही नहीं, सुपरफिशियल से कॉमन पेरोनियल और डीप पेरोनियल आगे। ठीक, तो कॉमन पेरोनियल जो है वो आपकी अगर इंजर हो रही है, वो बड़े सारे केसेस हैं जिसके अंदर इंजर होती है, फुटबॉल इंजरीज के केस में, लैटरल साइड पे आपकी नी को कोई ब्लो आता है उस टाइम पे इंजर कर जाती है, इवन आपके जो सर्जरीज हैं हार्ट से रिलेटेड, जब आप कैबेज परफॉर्म करते हैं, जो बाईपास सर्जरीज हैं उसके अंदर, क्योंकि हम ग्राफ्टिंग करते हैं ना वेन्स की, तो वो जो वेन लेते हैं वो हम सेफेनस वेन से लेते हैं उसी पर्सन की, तो सेफेनस वेन का ग्राफ्ट लेते हुए जब आप उसको इंसिजन देते हो उस एरिया को, तो समटाइम्स आपकी नर्व इंजर हो जाती है कॉमन पेरोनियल, तो वो उसके रिजल्ट में क्या होता है, कॉमन पेरोनियल का इंजरी का रिजल्ट क्या निकलता है, फुट ड्रॉप। अब फुट ड्रॉप क्या चीज है, पांव गिर जाता है, डॉर्सिफ्लेक्शन जो है ना वो क्या हो जाती है, उसकी लिमिट हो जाती है, या आप ये कह लो कि डॉर्सिफ्लेक्सिस का पैरालिसिस हो जाता है,
और डॉर्सिफ्लेक्शन आपकी हो नहीं पाती है तो फुट जो है वो ड्रॉप्ड कंडीशन के अंदर ही रहता है, ठीक है। उससे गेट भी आपकी अफेक्ट होती है कि गेट के अंदर आपका डॉर्सिफ्लेक्शन का प्रॉपर एक फेज है, ठीक है। हर दफा जब आपने हील स्ट्राइक करनी है उस वक्त जब तक आप डॉर्सिफ्लेक्शन नहीं करोगे आप हील स्ट्राइक तो नहीं कर सकते, ठीक है। अब डॉर्सिफ्लेक्शन नहीं होगी तो आपकी गेट को इफेक्ट करेगी, ठीक। तो ये सारी चीजें आपकी फुट ड्रॉप के केस में आ जाती है। देन हमारे पास पोस्टीरियर टिबियल नर्व है जो कि आपकी टॉर्सल टनल जो बनती है टॉर्सल बोन्स की, वहां पे अगर इंजर हो रही है, क्योंकि अब आप देखो कि वो वेट बेयरिंग एरिया है, ठीक है। अब वहां पे प्रॉपर आपके जो है वो फेशिया है फुट का, आपके फैट पैड्स होते हैं, अगर ये सारी चीजें किसी वजह से इंपेयर कर रही हैं, आपका वेट जो है वो ज्यादा है, आपकी एक्टिविटी ज्यादा है, आपकी एक्टिविटी कुछ हार्ड सरफेस के ऊपर ज्यादा है, ठीक है, आपकी मैकेनिक्स अच्छी नहीं है, आपका फुटवेयर अच्छा नहीं है, तो इट माइट बी पॉसिबल कि आपकी ये नर्व जो है वो इस जगह पे इंजर हो सकती है, ठीक है। तो वो आपके फोर फुट को फिर आगे क्या करेगी, उसमें आपकी नर्व के जो साइंस आ जाते हैं, टिंगलिंग है, नमनेस है, या अगर मोटर के अगर आपका ब्रांच उसकी अफेक्ट हो रही है तो आपका मोटर लॉस हो सकता है, ठीक। इसके अलावा प्लांटर एंड कैलकेनियन नर्व्स हैं ओवर प्रोनेशन के, मतलब जब आपकी फुट के बहुत ओवर प्रोनेशन हो रही है उस केसेस के अंदर आपकी प्लांटर और कैलकेनियन नर्व्स जो है वो भी इंजर हो सकते। अच्छा, अब सेंसरी ब्रांचेस जो है वो कौन से आ जाती है, L4, L5, S1, टर्मिनल पार्ट्स ऑफ पेरोनियल एंड टिबियल नर्व्स, ये इसके सेंसरी पार्ट्स हैं इन नर्व्स के, ठीक है, जो कि आगे फिर आपके फुट के अंदर टिंगलिंग, नमनेस या और किस तरह के साइंस हो सकते हैं जो नर्व की सेंसरी पार्ट से रिलेटेड हैं, सेंसरी इंजरी से रिलेटेड, ठीक है। ये आपकी यहाँ पे नर्व की इंजरीज पॉसिबल है। अब ये जो है वो आपकी एनाटॉमी, इसका स्ट्रक्चर है, ये जो अभी हम बात कर रहे थे, बोन्स हैं यहाँ पे, सब टेलर जॉइंट जिसकी हमने इनवर्जन और इवर्जन की बात की थी, ठीक है। ट्रू एंकल जॉइंट जो है वो आपका टिबिया और टैलिस के दरमियान में बन रहा है, ठीक हो गया। अच्छा, इसके बाद ये आपके जो है वो थोड़े लिगामेंट्स की जो है वो अटैचमेंट्स हैं, आप क्योंकि बेतहाशा जॉइंट्स हैं, छोटे छोटे जो है वो जॉइंट्स हैं, बोन्स छोटी छोटी सी हैं, तो हर बोन को कनेक्ट करने के लिए ऑब्वियसली लिगामेंट्स तो प्रेजेंट होंगे, ठीक। जो मेजर लिगामेंट्स हैं इंपॉर्टेंट हैं, ये एक आपका सबसे ऊपर फर्स्ट पर लिखा हुआ है कैलकेनियल टेंडन, जिसको हम अकीलीज टेंडन भी बोलते हैं, ठीक है, डिफरेंट प्रोनाउंसिएशन है इसकी। अच्छा, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये बेसिक आपका जो प्लांटर फ्लेक्शन है उसके मसल्स का टेंडन है, ठीक है जी। इसके अलावा और जो लिगामेंट्स इंपॉर्टेंट है, ये आपके जो आपकी आर्चेस जो लिगामेंट्स बना रहे हैं, ठीक, उसमें आपके पास शॉर्ट प्लांटर लिगामेंट है और लॉन्ग प्लांटर लिगामेंट है, जो कि आपकी कैल्केनियस और टैलिस बोन्स को जो है वो आपस में कनेक्ट कर रहा है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट जो है वो लिगामेंट है, क्योंकि ये आपकी जो है वो आर्चेस के लिए इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। बाकी पे फर्दर और छोटे छोटे से जो है वो लिगामेंट्स है। इसके अलावा यहाँ पे डेल्टॉइड लिगामेंट भी होगा जो आपकी एंकल को जो है वो सपोर्ट कर रहा है, ठीक है। मीडियल साइड पे आपका डेल्टॉइड लिगामेंट है और लेटरल साइड पे आपका जो है वो लेटरल लिगामेंट है, उसको यूज करें, ठीक है। यहाँ पे पिक्चर में मेरा ख्याल है वो दिखाया नहीं, ये सिंपल आपकी बस बोन से रिलेटेड, ठीक है जी। अब आगे चलते हैं, अब इसकी बात करते हैं जो फंक्शन रिलेटेड और जो इश्यूज रिलेटेड अगर हम बात करें, तो जॉइंट का सबसे पहला प्रॉब्लम जो मैंने आपको बताया था, जो कॉमन प्रॉब्लम है वो है हाइपोमोबिलिटी, के जॉइंट की रेंज जो है ना वो रिस्ट्रिक्ट कर जाती है, ठीक। अब उसकी बेतहाशा रीजंस हो सकती हैं। अब फुट के केस में यहाँ पे आरए भी हो सकता है, ठीक, रूमेटॉइड आर्थराइटिस हो सकता है, डीजनरेटिव जॉइंट डिजीज हो सकती है, कि कोई भी ट्रॉमेटिक केस हुआ है, अगर हम यंग एज की बात करते हैं, ट्रॉमा के बाद आपके जो है वो जॉइंट्स डीजनरेट कर रहे हैं, जॉइंट की शेप जो है वो चेंज हो रही है, बोन्स इरोड कर रही है, या एज रिलेटेड आप इसको आर्थराइटिस के केस में लेके जा सकते हैं, ठीक। अब वेट बेयरिंग जॉइंट तो है, वेट बेयरिंग है, साथ में अगर आर्थराइटिस होगा तो डेफिनेटली वो पेनफुल भी होगा और उसकी वजह से मूवमेंट भी क्या होगी, रिस्ट्रिक्ट करेगी। यहाँ पे एक और चीज आ जाती है, गाउट, और वो भी स्पेसिफिकली कहाँ पे, फर्स्ट जो आपका जॉइंट है MTP, मेटाटॉर्सो फ्लेंजियल जॉइंट, ठीक, जो बिग टो है आपका, वहां पे गाउट का प्रॉब्लम। अब गाउट बेसिकली क्या है, ये आपकी डेपोजिशंस है यूरिक एसिड की, ठीक है, जॉइंट के अंदर या ओवरऑल बॉडी में ब्लड में जब आपका यूरिक एसिड बढ़ जाता है तो वो जॉइंट्स के अंदर डिपॉजिट होना शुरू हो जाता है। उसकी मोस्ट कॉमन साइट आपका फर्स्ट जॉइंट है, बिग टो, ठीक हो गया। अब बिग टो में अगर गाउट का प्रॉब्लम है तो आपके ख्याल में क्या प्रॉब्लम होगा अदर देन पेन, मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट हो जाएगी, मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट, बेसिकली मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट होगी किस
चीज में कब कब ज्यादा प्रॉब्लम आएगा रिस्ट्रिक्शन का? डेफिनेटली ड्यूरिंग मूव, क्योंकि देखो जब आप वॉक करनी है, आपकी डिफरेंट जो फुट के वॉक के फेजेस हैं जिसमें आप पुश ऑफ लेते हो, ठीक है, पुश ऑफ में क्या है, डेफिनेटली आपकी यहाँ पे एक्सटेंशन आती है बैक टो के ऊपर, अब वहां पे अगर डेपोजिशन है और वो जॉइंट के अंदर आपके जो है वो मूवमेंट को रिस्ट्रिक्ट कर रहा है, तो वो पेन के साथ साथ आपकी क्या है, मूवमेंट को भी रिस्ट्रिक्ट करेगा। आगे इसकी डिटेल पढ़ते हैं। अच्छा, अब पहले डिस्कस कर लेते हैं आरए को। आरए जो है वो बेसिकली आपका फोर फुट को इन्वॉल्व करता है, और इसके अलावा आपका बिग टो भी आ जाता है, ठीक, सब टेलर ज्वाइंट, टेलो प्लूरल ज्वाइंट, इन सारे ज्वाइंट्स को जो है ना वो ये इन्वॉल्व करता है आर, ठीक। अब इसके जो इफेक्ट्स हैं उसके अंदर इंस्टेबिलिटी, डेफिनेटली आर ए जो है वो आपके लिगामेंट्स को लैग्स करता है, ठीक है, लैग्जिटी उसके अंदर आ जाती है, इंस्टेबिलिटीज आ जाती है। अब फुट के अंदर अगर इंस्टेबिलिटी होगी तो क्या इशू आएगा, मूवमेंट में इशू आएगा, इंस्टेबिलिटी में हाइपोमोबिलिटी होगी, नहीं, व्हाट इज इंस्टेबिलिटी, डेफिनेटली स्टेबल ना होना, कैसे स्टेबल ना होना, चलो दो ऑप्शन, मूवमेंट का बढ़ जाना, मूवमेंट का कम हो जाना, मूवमेंट का कम हो जाना, डिक्रीज हो जाना, मैम डिक्रीज हो जाना, डोर्सीफ्लेक्शन और प्लांटर फ्लेक्शन जो है वो एंकल पे नहीं हो पाएगी। अभी हम पेन की बात ही नहीं कर रहे, अभी हम सिंपल इंस्टेबिलिटी की बात कर रहे हैं जिसमें लिगामेंट्स जो है वो लैग्स हैं। मैम रिस्ट्रिक्ट हो जाएगी मूवमेंट, मैम मूवमेंट इंक्रीज हो जाएगी, वजह से इंस्टेबिलिटी हो जाएगी, वो तो गलत भी कह सकते हैं ना, तुम खुद सोचो, आप खुद सोचो बेटा कि आपके लिगामेंट्स जो है वो लैग्स हैं, ढीले हैं, मतलब वो कह लो कि आप एक चीज माइंड में ले आओ कि वो रबर बैंड है और उसकी इलास्टिसिटी वो जो है ना वो खत्म हो गई हुई है उसके अंदर, वो लैग्स है। अब वो एक चीज जिसके साथ जुड़ा हुआ है उसको क्या करेगा, वो रोकेगा या उसको फ्री कर इंक्रीज देगा, फ्री कर देगा, अगर इलास्टिसिटी लूज है तो इंक्रीज कर देगा, मैम वो ढीला सा हो जाएगा, हो गया, बिल्कुल ठीक है। तो अब इस केस के अंदर इंस्टेबिलिटी में हाइपोमोबिलिटी होनी चाहिए या हाइपर मोबिलिटी होनी चाहिए, हाइपर मोबिलिटी, हाइपर मोबिलिटी। अच्छा, अब आ जाओ वापस इस पॉइंट पे कि अगर एंकल के ऊपर हाइपर मोबिलिटी है तो क्या इशू आएगा, मैम प्लांटर फ्लेक्शन जो है ड्रॉप हो जाएगा, फुट को ड्रॉप, नहीं मूवमेंट ज्यादा होंगी, कंट्रोल नहीं होगा, मैम वो जो ड्रॉपी फुट होता है मोस्ट कॉमन आपके स्प्रेन के चांसेस बढ़ जाएंगे, जिसको हम कहते हैं ना मोच आ गई पाँव में, पाँव मुड़ जाना, बार बार पाँव का मुड़ना रिकरेंट बेसिस के ऊपर, वो चीज बढ़ जाएगी, ठीक है। अब इन टर्न क्या होगा, अब जब आपका लिगामेंट टूट रहा है, रप्चर हो रहा है, फिर पेन का एलिमेंट आएगा और वो पेन आपको क्या करेगी, रिस्ट्रिक्ट करेगी, ठीक है। अल्टीमेटली हम जा किधर रहे हैं, हाइपोमोबिलिटी की तरफ, शुरू कहीं और से हुए थे हाइपरमोबिलिटी से, लेकिन इन टर्न किधर जा रहे हैं, हाइपोमोबिलिटी, ठीक है। पेनफुल डिफॉर्मिटीज जो है वो बन जाती है, क्योंकि आर ए जो है वो वैसे ही आपकी बोन्स को क्या करता है, जॉइंट्स को डिफॉर्म करता है, ठीक। हेलिक्स वेलगस, हेलिक्स वेलगस क्या होता है वाला, पढ़ा होगा कोई नाम वगैरह सुना होगा, मैम वेलगस का तो पढ़ा हुआ, हेलिक्स का नहीं पता, हाँ जी और कोई, मैम हेलिक्स, मैम वो जो, हाँ बेटा ये ना बिग टो की डिफॉर्मिटी है, ठीक है, इसमें आपका जो हेड है टॉर्सल बोन का वो लेटरल साइड पे जो है ना वो डिविएट कर जाता है, वो लेटरल को मूव करता है और जो फिलिंग्स है ना वो मीडियल साइड पे, तो वो एक पॉइंटी सा एज बन जाता है आपकी बिग टो का जो जॉइंट बनता है, वो बड़ा फिर पेनफुल हो जाता है, और अक्सर ये तो चलो आर ए के केस के अंदर डिफॉर्मिटी बन रही, ये नॉर्मल भी बन जाता है जब आप बहुत ज्यादा पॉइंटी शूज पहनते हैं, आगे से बंद जूते और बहुत पॉइंटी किस्म के नोक वाले जूते, तो वो आपके जो सारे के सारे टोज है ना वो बहुत ज्यादा पॉइंटी शक्ल के अंदर वो बंद रहते हैं ज्यादा देर के लिए प्रोलॉन्ग, तो वो अल्टीमेटली आपके जो है ना वो बिग टो में डिफॉर्मिटी क्रिएट करते हैं, जिसको हम कहते हैं हेलिक्स वेलगस। सबलक्सेशन ऑफ मेटाटार्सल हेड्स, ठीक है, क्योंकि आर ए जो है वो लैक्सिटी क्रिएट कर रहा है। टेंडन हेड रप्चर, इसमें टेंडन्स की जो है वो रप्चरिंग भी होती है, वो इंटर्न आपकी, अब टेंडन अगर टूट रहा है तो
काम तो आपके मसल ने करना था ना, मूव तो मसल ने करना था, टेंडन नहीं है तो मूवमेंट नहीं है, मूवमेंट नहीं है तो जॉइंट की रिस्ट्रिक्शन, हाइपोमोबिलिटी। ठीक, अगर वो इटसेल्फ जॉइंट के अंदर से नहीं क्रिएट हो रही तो जो बाहर के स्ट्रक्चर जिन्होंने जॉइंट को मूव करना है वो भी हाइपोमोबिलिटी क्रिएट कर सकते। ठीक हो गया। अच्छा, अब डीजनरेटिव जॉइंट डिजीजेस या ट्रॉमा के केस के अंदर क्या होता है, ये बेसिकली उन जॉइंट्स के अंदर डीजनरेटिव चेंजेस होंगी अगर हम नॉन एज रिलेटेड बात करते हैं, जो कि मैल अलाइन है, अलाइनमेंट जिनकी ठीक नहीं है, डेफिनेटली उनकी जो फोर्सेस की ऑल्टरेशन तो होगी, मैकेनिक्स चेंज होगी तो फोर्सेज ऑल्टर करेंगी, फोर्सेज ऑल्टर कर रही है तो इट मीन्स के वो जो रेपिटेटिव ट्रॉमा है उसके केसेस बढ़ गए। ठीक, अब वो बढ़ेंगे तो वो आपके जॉइंट्स की सर्फेसिस को क्या करेंगे, डीजनरेट करेंगे। ठीक, अब दूसरे केस के अंदर आर्थराइटिस आ सकता है, जो अगर हम एज रिलेटेड डीजनरेटिव जॉइंट डिजीजेस की बात करें उसमें आर्थराइटिस है आपके पास। आर्थराइटिस आपको पता है ओए के केस है। ठीक, और उसके अंदर जो है वो आपकी पोस्ट ट्रोमेटिक आर्थराइटिस भी जो है कंप्राइजेस ऑफ 80% ऑफ ऑल द आर्थराइटिस। कि अगर आर्थराइटिस के अंदर भी हम पोस्ट ट्रोमेटिक और एज रिलेटेड की बात करें तो जो रेपिटेटिव ट्रॉमा रिलेटेड है वो 80% तक आपका आर्थराइटिस जो है वो 80% तक रहता है। ज्यादा केसेस आपके किसके हैं, ट्रॉमा रिलेटेड, कि ओए का जो एज रिलेटेड केस है वो कम है, 20% तक वो सिर्फ फॉल कर। जी बेटा कौन सी क्लास है, आ अच्छा जी, गाउट में अब क्या है कि जो मेटाटार्सोफेलेंजियल जॉइंट है आपका ऑफ बिग टो, ठीक है, ये उसका प्रॉब्लम गाउट का। पेन इन टर्मिनल स्टांस, अब टर्मिनल स्टांस वाला क्या है, गेट एनालिसिस याद है जो बायोमैकेनिक्स में पढ़ा होगा, उसमें टर्मिनल स्टांस हमारा कौन सा फेज होता है, जाहिर सी बात है टर्मिनल लास्ट ही होगा ना, टो ऑफ, बिल्कुल ठीक है। अब टो ऑफ के टाइम पे हमें करना क्या होता है, बेसिकली मूवमेंट क्या आती है, लिफ्ट करते हैं, किस पोजिशन में रखते हैं, क्या पोजिशन क्या बनती है, ठीक है, ये क्या है मूवमेंट, जॉइंट्स के ऊपर कौन सी मूवमेंट आ रही है, वो तो एंकल के ऊपर है ना, टोस की बात कर रही हूँ, दोबारा देखो, टोस की बात कर रही हूँ, सिर्फ टोस की, टोज एक्सटेंड होंगे मैम, आपने पहले फुट की पोजीशन बना लो, बिल्कुल ठीक पोजीशन बना रहे हो, ठीक है, अब इसमें जरा मुझे ये बता दें कि टोज इसमें आपके फ्लेक्शन के अंदर हैं कि एक्सटेंशन एक्सटेंड होंगे, ठीक है, आप पहले फ्लेक्शन बोल रहे थे ना, वो क्लियर करा रही हूं, फ्लेक्शन नहीं एक्सटेंशन। अच्छा, अब एक्सटेंशन है और पीछे अंदर अंडरलाइन क्या है, गाउट के अंदर आपकी वो जो डेपोजिशंस हैं यूरिक एसिड की, वो डेफिनेटली जब आपका जॉइंट एक्सटेंड करेगा और विद डेपोजिशंस जो जॉइंट के अंदर है वो क्या क्रिएट करेंगी, पेन कॉज करेंगी, वो मूवमेंट के अंदर रिस्ट्रिक्शन कॉज करेंगी। अब जब मूवमेंट के अंदर पेन है तो पेशेंट इस पर्टिकुलर चीज को करने से क्या करेगा, अवॉइड करेगा, टर्मिनल स्टांस पे जो है ना वो नहीं जाएगा, या वो पुश ऑफ लेते, वो जो टो ऑफ वाली फेज है उसको अवॉइड करेगा। अब उसकी वजह से उसकी गेट के अंदर डिस्टर्बेंस आएगी, गेट के अंदर डिस्टर्बेंस आएगी, एक पूरा का पूरा फेज मिस कर रहे हो तो वो जो फोर्सेस हैं वो बाकी के जगह पे आपके लगनी है, ठीक है, अब वो ओवरऑल आपके जो फुट कॉम्प्लेक्स है वो फोर्सेस जो है ना उसको डिस्टर्ब करेंगी और वो वहां पे आपकी जो है वो फर्दर और तरह की स्ट्रेसेस और ट्रॉमास और डिफरेंट जो हाइपोमोबिलिटी है या पेन है, मैल अलाइनमेंट, ये चीजें कॉज कर सकते हैं। ठीक है जी। अच्छा, अब ये जो पीछे हमने जितनी तीन चार चीजें पढ़ी हैं इनकी ओवरऑल जो है वो, अब अगर हम इम्पेयरमेंट्स की बात करें कि वो जो हाइपोमोबिलिटी है वो बेसिकली आपकी किस किस्म की इम्पेयरमेंट्स कॉज कर रही है, तो रिस्ट्रिक्टेड मोशन तो सबसे पहली बात आ गई, हाइपोमोबिलिटी होती है रिस्ट्रिक्टेड मोशन है, उसके साथ साथ क्या क्या कुछ आ रहा है कि जब आपके सिम्टम्स एक्यूट हों हाइपोमोबिलिटी के तो उस वक्त पेन भी होगी, साथ में आपके ज्वाइंट की स्वेलिंग भी होगी। सिम्टम्स जब क्रॉनिक हो जाते हैं तब ज्यादा जाके काम आपका आता है रिस्ट्रिक्शन का, जो रेंज ऑफ मोशन की रिस्ट्रिक्शन है, यानी कि वो जो आपकी एसेसरी मूवमेंट है ना जॉइंट की, जो ग्लाइड्स हैं वो बेसिकली आपकी क्या होती हैं, रिस्ट्रिक्ट करती हैं।
अच्छा जी, इसके अलावा रिस्ट्रिक्टेड मोशन एट प्रॉक्सिमल एंड डिस्टल टिबियो फेबुलर ज्वाइंट। अब हमने ये बात की थी कि जो ट्रू ज्वाइंट है एंकल का वो टिबिया और टैलस के दरमियान में बन रहा है, बट हम उसको भूल नहीं रहे जो साथ में एक और ज्वाइंट भी है जो आपका फेबुला और टिबिया के दरमियान में बन रहा है, क्योंकि अगर उसमें प्रॉब्लम होगी ना तब भी आपकी एंकल की जो मूवमेंट है ना वो प्रॉपर नहीं होगी, क्योंकि ये चीज ऐसी नहीं है कि मतलब ये कोई एक्स्ट्रा चीज अल्लाह ताला ने नहीं लगाई थी, इसका भी आपकी मैकेनिक्स के अंदर रोल है, इसकी भी मूवमेंट, बेशक वो ट्रू ज्वाइंट नहीं बना रहा लेकिन उसका रोल है। अगर इस दो ज्वाइंट्स के अंदर भी अगर आपकी मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट करेगी तो ओवरऑल इफेक्ट आपके एंकल ज्वाइंट के ऊपर पड़ेगा। पैसिव प्लांटर फ्लेक्शन इज मोर लिमिटेड एट टेलोक्रूरल ज्वाइंट। ठीक, अब अगर हम इसकी बात करें कि ओवरऑल पैसिव और एक्टिव की अगर हम बात करें तो उसमें से कंपैरिजन में जो प्लांटर फ्लेक्शन है वो ज्यादा जो है वो लिमिटेड होती है एज कम्पेयर टू डोर्सिफ्लेक्शन। एनी रीजन? वो रीजन बताएगा मुझे मैम, लिगामेंट्स प्रेजेंट है ऊपर। ओके, और तो पैसिव का क्या ताल्लुक हुआ फिर इसमें? हाँ जी, एनीवन? ज्वाइंट स्टिफनेस तो है ही, डेफिनेटली है। अच्छा, वो कैप्सुलर पैटर्न का नाम सुना है आप लोगों ने? कैप्सुलर पैटर्न, जॉइंट्स के कैप्सुलर पैटर्न होते हैं। हाँ बस सुना ही है, पता कोई नहीं है। ये एक बार ना तुम लोगों को अच्छा मिल गया कि भाई ऑनलाइन पढ़ा है उसमें कुछ समझ नहीं आया। अच्छा, कैप्सुलर पैटर्न बेसिकली बेटा ये होता है, हर ज्वाइंट का ना एक कैप्सुलर पैटर्न होता है जिसके अंदर उसकी मूवमेंट्स जो है ना वो रिस्ट्रिक्ट करती हैं। सीक्वेंस होते हैं कुछ के, अगर हाइपोमोबिलिटी एग्जिस्ट करेगी तो पहले ये मूवमेंट जो है वो रिस्ट्रिक्ट करेगी, उसके बाद फिर ये मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट करती है, फिर वो कोई एक प्रॉपर सीक्वेंस होता है। हर ज्वाइंट का ना ये अलग अलग होता है। आ गया ना यार? हाँ, इसी तरह से हर ज्वाइंट का जो है ना वो कैप्सुलर पैटर्न होता है, तो उसके अकॉर्डिंग आपके एंकल के अंदर जो है ना वो प्लांटर फ्लेक्शन जो है वो ज्यादा रिस्ट्रिक्ट करती है एज कम्पेयर टू डॉर्सिफ्लेक्शन। ठीक हो गया। अच्छा जी, इसके अलावा लिमिटेड सुपिनेशन एंड सबटेलर जॉइंट। सुपिनेशन जो है वो ज्यादा लिमिटेड होगी और लिमिटेड फ्लेक्शन प्लस एक्सटेंशन एट फर्स्ट एमटीपी जॉइंट। ठीक, और उसके अलावा ओवरऑल जो आपकी इम्पेयरमेंट आ रही है उसमें टर्मिनल स्टांस जो है वो इम्पेयर करेगा, जैसे कि अभी हमने गाउट के केस में भी पढ़ा। ठीक, ये ओवरऑल आपकी हाइपोमोबिलिटी जी। कैप्सुलर पैटर्न जो है वो पैसिवली हम चेक करते हैं। ठीक है। अच्छा जी, अब दूसरी चीज इसके अंदर इम्पेयरमेंट्स में आ रही है डिफॉर्मिटीज। किस तरह की बनती है डिफॉर्मिटीज में? एक आ गया हेलिक्स वेलिक्स जो अभी हमने डिस्कस किया। इसकी अगर मैं आपको पिक्चर दिखा दूं तो ये है बेसिकली आपका हेलिक्स वेलिक्स। ठीक है, कि आपका जो एमटीपी का हेड, उसका जो टार्सल जॉइंट का हेड है वो लैटरली डेविएट कर रहा है और फेलिंग्स आपकी मीडियल साइड पर डेविएट कर रही है, तो वो पॉइंटी एंड जो है ना वो आपके बाहर की तरफ प्रोट्रूड कर जाता है। अब ये जो है ना वो डिफरेंट केसेस में फिर इसकी जो है वो सिवेरिटी बढ़ती चली जाती है। समटाइम्स ये बस मैन अलाइनमेंट होती है, ये शायद कोई इतनी पेनफुल ना हो। ठीक है, मोस्टली लोगों को कॉमनली ये चीज है, लेकिन ये चीज जब प्रसिस्ट करती है तो ये पेनफुल भी हो जाती है, जॉइंट स्वेल भी कर जाता है। अब बोन की शेप आप देख लो, काफी ज्यादा जो है वो कह लो बोन की भी हाइपरट्रॉफी टाइप हुई हुई है। ठीक है, और फिर यहाँ की जो स्किन है वो बहुत ज्यादा जो है वो समटाइम्स हार्ड हो जाती है, बुनियंस बन जाते हैं जिसको हम कहते हैं, वो बुनियंस बड़े पेनफुल होते हैं, उनका फिर सर्जिकली उनको रिमूव करना पड़ता है और फिर वो वुन मैनेजमेंट एंड ऑल दैट, वो सारी चीजें। नर्व वेन पेन जो हो सकती है, डेफिनेटली डेफिनेटली। अच्छा, अब इसके अंदर एक चीज ये है कि ये प्रॉक्सिमल फेलिंग्स है, शिफ्ट लेटरल, लॉस ऑफ फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन। ठीक है, क्योंकि जब आपका इन्फ्लेम्ड होगा जॉइंट और उसकी मैल अलाइनमेंट है तो उसकी प्रॉपर फ्लेक्शन एक्सटेंशन जो है वो डिस्टर्ब होगी, और इन्फ्लेमेशन है, बोनी हाइपरट्रॉफीज है, पेनफुल बुनियंस जो मैं आपको भी कही थी स्किन के, वहां पे बहुत ज्यादा हार्ड हो जाती है। इसी की एक और टाइप है
वो है हमारे पास हेलिक्स रिजिडिस. वो क्या है, पहले उसकी जो है वो नैरोइंग एंड डीजनरेशन ऑफ फर्स्ट एमटीपी ड्यू टू लॉस ऑफ एक्सटेंशन. ठीक है, अब ये क्या है इसको हम पहले ये देख लेते हैं कुछ इस तरह से. ये आपको नॉर्मल जॉइंट एक तरफ दिखाया हुआ पिक्चर के अंदर, ठीक है, ये मिडल पिक्चर जो है ये नॉर्मल है, और ये हेलिक्स रिजिडस के अंदर आप देखें कि ये जो हेड है उसके ऊपर बोनी जो है वो कुछ इस तरह की जो है वो डिफॉर्मिटी बन गई हुई है कि जब आप इसको एक्सटेंशन के अंदर लेके जाना चाहेंगे तो ये बोनी जो आपकी डिफॉर्मिटी है ना ये उसको रिस्ट्रिक्ट करेगी. ठीक है, ये जब उसको रिस्ट्रिक्ट करेगी ना तो आपकी प्रॉपर वो जो एक्सटेंशन है ना वो नहीं प्रोड्यूस हो सकेगी, और इसी वजह से इसका नाम रिजिडस है कि यहाँ पे एक्सटेंशन जो है ना वो बहुत बिल्कुल जो है ना वो लिमिटेड होती है. ठीक हो गया, और ये यहाँ पे ये जो आपको ये इस तरह से स्वोलन जॉइंट और पेनफुल भी होता है, रेड भी होगा, ठीक, इसका सर्जिकल रिमूवल होगा डेफिनेटली आर ए के अंदर, क्योंकि उसके अंदर डिफॉर्मिटीज जो है वो ज्यादा बनती है. आर ए अगर नहीं भी है तब भी जो है वो ये बन सकता है. ठीक है, अच्छा, अब इसके अंदर जो है वो टर्मिनल स्टांस अगेन इसके अंदर जो है वो पेनफुल हो जाएगा. क्यों? क्योंकि अब हमारी एक्सटेंशन नहीं, ठीक हो रही है. अच्छा जी, अब इसके अलावा डॉर्सल डिसलोकेशन ऑफ प्रॉक्सिमल फेलिंग्सिस, ये अगर आपकी डिसलोकेट हो रही है ड्यू टू एनी ट्रॉमा, ड्यू टू एनी इंजरी, तो वो भी फिर आगे आपकी क्या है, हाइपोमोबिलिटी कॉज करती है. मसल वीकनेस भी आ सकती है, ठीक है, लिमिटेशंस के अंदर. अब उसमें क्या है, मसल वीकनेस की वजह से फ्रीक्वेंसी ऑफ फॉलिंग जो है वो डेफिनेटली इंक्रीज कर जाएगी. आपके बैलेंस के अंदर अगर इम्पेयरमेंट आती है, पोस्चरल कंट्रोल जो है वो लॉस हो रहा है, गेट डेविएशंस आ रही है. अब गेट डेविएशंस क्या होंगी, हाइपोमोबिलिटी की वजह से, जरा कुछ सोचो, एंकल के ऊपर अगर हाइपोमोबिलिटी है गेट किस किस तरह से डिस्टर्ब करेगी, शॉर्ट स्टेप्स होंगे, स्टांस छोटा हो जाएगा, ठीक है, स्ट्राइड लेंथ छोटी हो जाएगी, ठीक, अगर पेनफुल है तो वो उसके ऊपर जो है वो प्रॉपर वेट बेरिंग नहीं करेगा, ठीक है, बैलेंस खराब हो जाएगा, अगेन टर्मिनल स्टांस जो है वो डिस्टर्ब हो सकता है जैसे अभी हमने ऊपर पढ़ा था, और वेट बेरिंग अगर मुश्किल होगी तो वो जो सिंगल लेग जो सपोर्ट फेज या स्टांस फेज होता है उस लेग का वो रिड्यूस हो जाएगा. ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको क्या करेंगी, गेट को डिस्टर्ब करेंगी. सिर्फ एक चीज, जॉइंट का जो जॉइंट प्ले है वो कम हुआ, नॉर्मल से कम. आर्थराइटिक फुट जो है उसके अंदर क्या है, लॉस ऑफ प्लांटर फ्लेक्शन एंड सुपिनेशन. फोर फुट के अंदर पेन ज्यादा होती है, पुश ऑफ जो है वो इनइफेक्टिव हो जाएगा गेट के अंदर, लिटिल और नो हील रेज. ठीक है, ये आर्थराइटिस के केसेस के अंदर जो कि एज रिलेटेड आपका आर्थराइटिस, ठीक है, उसमें ये सारे प्रॉब्लम्स आपके एग्जिस्ट करेंगे. अब इन सारी चीजों के साथ आपकी जो एम्बुलेशन है यानी जो मूवमेंट है, ट्रांसफर है एक जगह से दूसरी जगह जाना मूवमेंट, वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज करेगी. ठीक है, बिकॉज ऑफ डिक्रीज एंकल एंड फुट मोबिलिटी एंड रिजल्टिंग डिक्रीज लेंथ ऑफ स्ट्राइड डिस्टेंस एंड स्पीड ऑफ एम्बुलेशन आर डिक्रीज ओवरऑल. ठीक, अब इस केस के अंदर फिर आपकी एम्बुलेशन के लिए आपको क्या चीज रिक्वायर्ड होती है, असिस्टिव डिवाइस. ठीक है, वो पेशेंट टू पेशेंट जो है वो फिर आपकी कंडीशन वेरी करती है कि आपने उसको केन्स एडवाइस करनी है, आपने उसको क्रचेस एडवाइस करनी है, फ्रेम्स एडवाइस करने हैं. ठीक, जैसा भी पेशेंट आपके पास आता है जो उसकी रिक्वायरमेंट होती है. अब इसके जो मैक्सिमम प्रोटेक्शन फेज है ये वही गाइडलाइंस हैं प्रॉपर. ठीक है, इसको एक दफा गो थ्रू कर लेते हैं. पेशेंट की एजुकेशन इंपॉर्टेंट है, क्या काम करना है क्या नहीं करना, किस चीज से जो है वो प्रॉब्लम बढ़ जाएगा, किस चीज से प्रोटेक्शन जो है वो मिलेगी. पेन के डिक्रीज करने के लिए आप ऑर्थोटिक डिवाइसेस यूज कर सकते हैं. ठीक है, इसके अलावा आप मोडालिटीज यूज कर सकते हैं, डिपेंड करता है आपके पेशेंट की कंडीशन क्या है. एक्यूट है गो फॉर कोल्ड थेरेपी, क्रॉनिक स्टेज में चला गया है गो फॉर हीट थेरेपी. ठीक, मैनुअल थेरेपी का आप ग्रेड वन और टू जो मोबिलाइजेशन का है वो यूज कर सकते हैं, सिर्फ वन और टू, क्योंकि अभी हम पेन को मैनेज कर रहे हैं और अभी हैं भी हम मैक्सिमम प्रोटेक्शन फेज के. अभी हमारा पेन से ज्यादा लिंक है, रिस्ट्रिक्शन जो है उसको हम बाद में देखेंगे, एक दफा पेन सबसाइड हो. सॉफ्ट टिश्यू मोबिलिटी के लिए आप पैसिव आरओएम्स कराओ, आपकी मेंटेन करेगी मोबिलिटी को. असिस्टिव एक्टिव जो है आरओएम्स उसके ऊपर जा सकते हो, या सिंपल पेशेंट जो है वो एक्टिव आरओएम कर ले. पैसे वो जो रिस्ट्रिक्टेड मोशन है, रेजिस्टिव आरओएम उसकी तरफ हम नहीं जाएंगे.
एक्वाटिक थेरेपी अच्छी रहती है, ठीक है, ग्रेविटी का इफेक्ट नहीं है, वेट बेरिंग नहीं होती, ठीक है, रिड्यूस मैक्सिमम नहीं होती। अच्छा फर्स्ट वेट पता है क्या है, इतना मिनिमम होता है, वो होता ही कुछ नहीं। आप इवन सिंपल पेशेंट के अगर जॉइंट को आप ग्रैब कर लेते हो ना, दैट इज ग्रेड वन। वजह क्या है कि आपका जो फोर हाथों का जो प्रेशर है ना, वो अंदर जो आपके मैकेनोरिसेप्टर्स है ना, उनको एक्टिवेट कर देता है। मैकेनोरिसेप्टर्स जो है ना, वो फिर आपके पेन की परसेप्शन को कम करने के रीजन बनते हैं। और ग्रेड टू क्या है, वो तो मतलब हल्का सा, बिल्कुल आप बहुत स्मॉल एम्पलीट्यूड में और बिल्कुल शुरू की रेंजेस के अंदर है, उसका कोई इतना पेनफुल वो नहीं होता, ठीक है। पेनफुल तो होगा जाके 3 और 4 में, अगर आप एक्यूट के अंदर उसको मोबिलाइज करने की कोशिश करोगे। ग्रेड 1 और 2 बहुत मिनिमम होता है। मसल सेटिंग एक्सरसाइजेस क्या थी, मसल सेटिंग आइसोमेट्रिक एक्सरसाइजेस करवानी होती है, आइसोमेट्रिक होती है, ठीक है, लेकिन होती क्या है, कैसे करते हैं? मैम प्रोटेक्शन के साथ करते हैं कि ज्यादा मूवमेंट ना आए, उसमें फिर सेपरेटिंग भी यूज करते हैं एक्सरसाइजेस में करवाने के लिए। ज्यादा मूवमेंट ना आए बेटा, आइसोमेट्रिक का तो मतलब ही यही होता है कि मैम मसल की लेंथ नहीं चेंज होती इसमें, मसल की लेंथ ऑब्वियसली नहीं चेंज होगी। अच्छा चलो एक और सवाल, आइसोमेट्रिक और मसल सेटिंग्स में क्या फर्क है तो दोनों आइसोमेट्रिक की ही टाइप, क्या फर्क है? बेटा इसमें रेजिस्टेंस का फर्क है। मैम उसमें रेजिस्टेंस, मसल सेटिंग जो एक्सरसाइजेस हैं उनमें रेजिस्टेंस जो है वो मिनिमम होती है, या आप ये कंसिडर कर लो कि बिल्कुल जीरो, जीरो इन अ सेंस कि नो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। जो आपकी बॉडी का अपना वेट है, जो उस पर्टिकुलर पार्ट का अपना वेट है, एयर की रेजिस्टेंस, बेड की रेजिस्टेंस, आपकी ग्रेविटी की जो रेजिस्टेंस है, नेचुरल रेजिस्टेंसेस जितनी है, बस उन्हीं के अगेंस्ट अगर आपका पेशेंट जो है वो आइसोमेट्रिकली कॉन्ट्रैक्ट कर लेता है मसल को, दैट इज मसल सेटिंग एक्सरसाइज। अगर आप एक्सटर्नल जो है वो रेजिस्टेंस ऐड कर देते हो, चाहे वो थेरेपिस्ट की हो, चाहे वो मैकेनिकल हो, चाहे वो कोई एक्सटर्नल लोड्स हो, वेट्स हो, एनीथिंग, जब आप एक्सटर्नल लोड ऐड कर लेते हो, वो आपकी फिर आइसोमेट्रिक टाइप, जो प्रॉपर हम जिसको हम स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस कहते हैं, वो स्टार्ट। तो इसमें रेजिस्टेंस का फर्क है, ठीक है, ये याद रखना है आपने, मैं हर दफा बताती हूँ इसे आप लोगों को। अच्छा अब कंट्रोल्ड के अंदर अगर हम जाते हैं, जो कंट्रोल्ड फेज आ जाता है, उसमें खास तौर पे बस आरए के केस में आपने जो है वो थोड़ा सा एहतियात करना है, क्योंकि आरए का केस ऐसा है जिसमें हर ज्वाइंट को आपने एहतियात करनी है, क्योंकि ऑलरेडी लैक्सिटी है और पेशेंट जिन मेडिसिन के ऊपर होता है वो ऑलरेडी आपके जो लिगामेंट्स हैं उनको क्या करती हैं, लैग्स करती हैं, ठीक है। तो इनस्टेबिलिटीज जो है वो ऑलरेडी उसके अंदर ज्यादा होती हैं, तो वहां पे हमें जरा देखभाल के काम करना है, ठीक है। सिंपल मसल सेटिंग पे या आइसोमेट्रिक्स या जनरल आरओएम के ऊपर रो, पेशेंट के लिए इतना ही काफी, ठीक। बाकी जो पेशेंट्स हमारे पास होंगे जो अदर देन आ रहे हैं, उसमें फिर आप ज्वाइंट मोबिलाइजेशन के ऊपर जाओ वो। हाँ जी आरए की जो थेरेपी है ना वो होती है सिम्टोमेटिक है, जो पेशेंट को प्रॉब्लम आया उसको ट्रीट कर दो, क्योंकि हम आरए को जो है ना वो ठीक नहीं कर सकते, क्योंकि वो ऑटो इम्यून है, हम उसको नहीं ठीक कर सकते, तो उसने जो चीजें खराब करनी है हम उसको नहीं ठीक कर सकते। हम सिर्फ उसको क्या कर सकते हैं, प्रोटेक्ट कर सकते हैं, हम सेवेरिटी से जो है उसको समहाउ थोड़ा सा मिनिमाइज कर सकते हैं, हमने पेशेंट को बस फंक्शनल रखना है, तो जो पेशेंट का प्रॉब्लम है उसके हिसाब से बस उसको ट्रीट कर, ठीक है। मसल में पेन हो रही है, मसल के हिसाब से ठीक कर दो उसको, हल्की फुल्की जो है वो उसको एक्सरसाइजेस बता दो, जॉइंट में प्रॉब्लम है उसको जॉइंट रिलेटेड ट्रीट कर दें, फटीग का प्रॉब्लम है उसको जनरल रिलैक्सेशन वगैरह एक्सरसाइजेस बता दें, तो गो फॉर सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट, जो पेशेंट का प्रॉब्लम है बस उसको इस हिसाब से ट्रीट कर। अच्छा अब जॉइंट की जो मोबिलाइजेशन जो अदर देन आरए पेशेंट्स हैं, उसमें आप फिर ग्रेड 3 में जाओगे, ग्रेड 4 में जाओगे, उसको आप वहाँ पे ऑसिलेशन देते हो, या जो आपका कैल्टन बॉन्ड आपने पढ़ा होगा, दोनों मेथड्स पढ़े होंगे, उसके अकॉर्डिंग आप उसको जो है वो ट्रीट करेंगे। स्ट्रेचिंग्स जो है वो आप करवाते हैं,
फिर फर्दर एक्टिविटीज हैं, बैलेंस की हैं, स्ट्रेंथ की हैं, क्योंकि फुट है, फुट आपके बैलेंस के साथ रिलेटेड है, तो बैलेंस की एक्टिविटीज आपको जो है वो फिर साथ में करानी पड़ेंगी। फिर आहिस्ता आहिस्ता आप पेशेंट को जो है वो एंड्योरेंस ट्रेनिंग के ऊपर, फिर एरोबिक ट्रेनिंग के ऊपर, वेट बेरिंग, ये सारी चीजें जो है वो फिर आप आहिस्ता आहिस्ता पेशेंट को करवाते हो। कार्डियोपल्मोनरी फिटनेस जो है वो एरोबिक्स के अंदर आ जाती है, ठीक। ये सारी चीजें फिर आपने हाइपोमोबिलिटी जो एंकल का पेशेंट है उसको आपने ये सारी चीजें। अब हाइपोमोबिलिटी से निकल के MWM क्या है? MWM कहते हैं मोबिलाइजेशन विद मूवमेंट। ये भी आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जिसमें आपका पेशेंट भी जो है वो साथ में जो है वो एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है, कि पेशेंट मूवमेंट एक्टिवली परफॉर्म करता है और आप साथ साथ उसके जो है वो एसेसरी मूवमेंट जो है वो प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। दिस इज MWM, मोबिलाइजेशन विद मूवमेंट। अच्छा, अब हम हाइपोमोबिलिटी से निकल के एंकल की एक और प्रॉब्लम की तरफ जा रहे हैं, वो है ओवर यूज सिंड्रोम्स। कि अगर आप एंकल जॉइंट का ओवर यूज करते हैं डिफरेंट एक्टिविटीज में तो क्या प्रॉब्लम्स जो हैं वो आते हैं। उसमें आपके पास टेंडन की इन्फ्लेमेशन हो सकती है जिसको हम टेंडनाइटिस बोलते हैं, प्लांटर फेशाइटिस हो सकता है जो कि आपकी फेशिया है, ठीक है, सोल एरिया पे उसकी इन्फ्लेमेशन हो सकती है। इसके अलावा आपके शिन स्प्लिंट्स हो सकते हैं, ठीक है। अब वन बाय वन इनको जो है वो देख लेते हैं कि ये क्या चीजें हैं। सबसे पहले टेंडनाइटिस, मोस्ट कॉमनली जो आपका टेंडन इन्फ्लेम करता है एंकल एरिया पे वो है TA टेंडन, जिसको हम कहते हैं कीलीज टेंडन या टेंडो एकिलिस, और डिफरेंट इसकी प्रोनाउंसिएशंस काफी सारी हैं, ठीक है। हिस्ट्री पता है इसकी, इस टेंडन की, इसका नाम अकीलीज टेंडन कैसे पड़ा? नहीं, हाँ मैम, साइंटिस्ट नहीं, साइंटिस्ट नहीं था, किसी ने ट्रॉय मूवी देखी हुई है? ब्रैड पिट की मूवी थी ट्रॉय। अरे यार तुम लोग क्या चीज हो, मूवीज भी नहीं देखते हो। बड़ी पुरानी मूवी है, 2003 की है आई थिंक। अच्छा बहरहाल, एक रोमन जो है ना वो सोल्जर था, उसका नाम था अकीलीज, ठीक है। उसको समझा जाता था कि इनविंसिबल समझा जाता था, कि उसको कोई जो है ना मार नहीं सकता, लाइक वो इतना बेस्ट किस्म का जो है वो सोल्जर था, वॉरियर था। रीजन क्या थी उसकी, जो अब तो ये कह जा रहा है हिस्ट्री है, कि उसकी जो मदर थी ना वो कोई गॉडेस थी, और वो कोई स्पेल्स और ये वो सारा कुछ जो है ना उसकी वजह से उसको काइंड ऑफ बड़ा वो इमोर्टल काइंड ऑफ बंदा था, और सिवाय एक बॉडी पार्ट उसका, एंकल एरिया। क्यों? क्योंकि वो जो गॉडेस थी ना, जो उसकी मदर थी, उसने वो जो उसके ऊपर वो जो भी स्पेल्स या जो भी उसका था तरीकाकार, उसने उसको पांव से पकड़ के, हिस्ट्री अब यही कहती है कि जब वो छोटा बच्चा था बिल्कुल, तो पांव से पकड़ के ना उसको उल्टा पानी के अंदर लटकाया था फॉर द स्पेल और उसकी पावर्स वगैरह। पांव उसका एरिया सिर्फ पानी से बाहर था, बाकी ऑल ओवर द बॉडी जो थी वो उसकी पानी के अंदर थी। अब उसका वो जो पांव एरिया है, जो एंकल एरिया है, वो वीकेस्ट पार्ट। अब जो उसकी स्टोरी है, जो उसकी हिस्ट्री कहती है, जो उसकी जो डेथ हुई थी वो हुई थी जो ट्रॉय सिटी है ग्रीस की, उसकी जब जंग हुई थी, जो वॉर हुई थी उसमें उसकी डेथ हुई थी। और वो कैसे हुई थी? एक एरो था जो उसके एंकल एरिया, जो ये जो टेंडन है अकीलीज टेंडन, यहाँ आके लगा था, यहाँ आके लगा था, एंड दैट पॉइंट वो गिर गया है उसका, लाइक वो उठ नहीं सका, और बाकी एरोज फिर उसके बाकी जिस्म के एरियाज पे लगे, एंड देन वहां पे उसकी जो है वो डेथ हुई थी। सिर्फ एक एरो, इतना बड़ा जो है वो सोल्जर, इतना इनविंसिबल, इतनी जो है उसने फाइट्स लड़ी और जीती, लेकिन मरा कैसे? एक एरो लगा, कहाँ लगा? इस टेंडन के ऊपर लगा, तब से उसका नाम जो है वो, इस टेंडन का नाम जो है उसके नाम पे रखा हुआ है, अकीलीज टेंडन। मूवी देखना ट्रॉय मूवी, ठीक है, देखना कभी टाइम मिलेगा, टाइम तो तुम लोगों के पास बहुत होता है, कुछ चंगी चीज भी देख लिया कर, अच्छी मूवी थी। तो बहरहाल ये वापस आ जाते हैं इसके ऊपर, कि ये जो टेंडन है ये आपका मोस्ट कॉमनली जो है वो इन्फ्लेम्ड होने वाला टेंडन, ठीक। और ये क्यों होता है, अब इसकी रीजन क्या है? खासतौर पर ये फीमेल्स के केस के अंदर है, कि जब फीमेल्स बहुत ज्यादा प्रोलॉन्ग हैबिचुअली हाई हील्स पहनती हैं, और उसके बाद अचानक वो शिफ्ट करें फ्लैट फुट के ऊपर, जो फ्लैट आपका फुटवेयर है, और फिर आप उसमें फ्लैट फुटवेयर में वॉकिंग जो है ना वो बहुत ज्यादा हो, तो आप गौर करो कि जब आपका
हाई हील्स आप पहनते हो तो आपका जो फुट का पोस्चर है वो ये प्लांटर फ्लेक्शन के अंदर ही रहता है, और प्लांटर फ्लेक्शन की वजह से वो जो आपका टेंडन है वो शॉर्ट। मैम आपकी आवाज नहीं आ रही सही से, मैम माइक क्रीप करें। ओके जी, आपका जो प्लांटर फ्लेक्शन का टेंडन है वो शॉर्टेंड पोजीशन के अंदर रहेगा। ठीक, अब अचानक आप आ जाओ फ्लैट फुटवेयर के ऊपर, उसके ऊपर स्ट्रेचिंग आएगी और आप उसको बहुत ज्यादा जब आप ओवर यूज कर लो वॉकिंग के केस के अंदर, तो उसके अंदर क्या है माइक्रो रप्चर्स जो है वो आ जाएगी, माइक्रो टीयरिंग आ जाएगी, वो आपके टेंडन को क्या कर देगा इनफ्लेम करेगा और फिर वो हो जाएगा पेन। ठीक हो गया। Symptoms of interior, posterior and peroneal tendons are common in tennis, basketball and running athletes. के अब इसके इलावा जो tendons हैं, जो peroneal जो muscles हैं, उनके tendons आपके किन activities जो ज़्यादा players जो के tennis खेलने वाले हैं, जो running करने वाले हैं, basketball related, ये इस तरह की sports हैं इनके अंदर, क्योंकि overuse ज़्यादा है, तो वो जब भी आपकी bone के ऊपर से वो tendon rub करेगा, तो वहाँ पे वो possibility है कि उसको वहां पे इन्फ्लेमेशन हो जाए। ठीक है, ये पेनफुल हो जाए। ये बेसिकली आपका ये जो टीए टेंडन जिसकी हम बात कर रहे थे, ये उसकी पोजीशन है, ये आपकी हील बोन के साथ जो है वो जाके अटैच हो। ठीक है, और भला ये टेंडन है किस मसल का? ये तो पता होगा यार, ये तो एनाटॉमी की बात है। गैस्ट्रोकनीमियस और सोलियस आपका जो कॉम्प्लेक्स है ये उसका टेंडन आपके टीए टेंडन बनता है। अच्छा, नेक्स्ट इज ओवरयूज से जो प्रॉब्लम आता है डार्टिस प्लांटर फेशियाइटिस। ठीक, अब ये आपका फेशिया है, फेशिया इनफ्लेम कर सकता है, बहुत सारी रीजंस हैं, ओवरयूज आपकी एक्टिविटीज है, रनिंग अगर आप बहुत ज्यादा करते हैं, फुटवेयर आपका ठीक नहीं है, और इसमें एक और मैल अलाइनमेंट जिनका फ्लैट फुट होता है, जो भी अभी हमने करके भी देखा था कि जब आपके फ्लैट फुट पोस्चर बन रहा है तो आर्चेस आपके डिप्रेस कर रही हैं, डिप्रेस करेंगी तो वो जो आपका फेशिया है वो डायरेक्ट आपकी क्या है ग्राउंड के साथ कांटेक्ट में आता है, तो वो जो ग्राउंड रिएक्शन फोर्सेस हैं वो बहुत ज्यादा उसके ऊपर अप्लाई होंगे, स्ट्रेसफुल हो जाएगा और यहाँ पे फिर ये इनफ्लेम कर जाएगा। ठीक है, एक्सेसिव प्रोनेशन रीइंफोर्स्ड पे हाइपोमोबाइल हाई आर्चेस, हील स्पर्स भी जो है वो इसकी एक रीजन होती है, छोटी सी जो है ना वो एजेस जो है वो हील बोन के अंदर बन जाते हैं, वो फिर इम्पिंज करते रहते हैं आपकी फेशियाइटिस फेशिया को, और वो इन टर्न आपके फिर फेशियाइटिस पेन क्रिएट करता है। अब अगर हील स्ट्राइक वो जो हील स्पर्स अगर बने हुए हों किसी पेशेंट को, तो वो क्या चीज अवॉइड करेगा गेट के अंदर, हील स्ट्राइक को, क्योंकि हील स्ट्राइक पे डायरेक्ट कॉन्टेक्ट आ रहा है, ठीक है, वो फोर्स लगेगी उसकी तो वो पेनफुल होगा, तो पेशेंट जो है वो हील स्ट्राइक को अवॉइड करेगा, हील स्ट्राइक को अवॉइड करेगा तो डायरेक्ट अपना फुट जो है ना वो फ्लैट करके ग्राउंड पे रखेगा, वो इन टर्न अगेन आपके फेशिया को क्या कर रहा है स्ट्रेसफुल कर, ठीक है, उसको इनफ्लेम करने की रीजन। अब इसमें क्या चीज रिक्वायर्ड होती है कि आपकी जो इंट्रिंसिक मसल्स है ना फुट के, उनको स्ट्रेंथन अप करने की जरूरत है, क्योंकि वो डायरेक्ट अटैचमेंट आ जाती है फेशियाइटिस के साथ आपकी आर्चेस से रिलेटेड, तो वो आपकी जो है वो हेल्पफुल रहती है फेशियाइटिस के केस के अंदर। डिपेंड करता है कि उसका साइज क्या है, समटाइम्स अगर वो बहुत छोटे साइज के हैं वो मेडिकेशन से रिजॉल्व हो जाते हैं, ठीक है, नहीं तो फिर आपका सर्जरी की तरफ जाना, नहीं पैल्पेशन पे टेंडर होते हैं लेकिन वो आपको तब तक नहीं पता चलेगा जब तक आप एक्सरे नहीं कराओ, एक्सरे में वो बकायदा आपको जो है ना वो पॉइंटी एजेस जो है वो नजर आ जाते हैं। अच्छा, अब स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस फुट की किस किस्म की हो सकती हैं? ओके, इंट्रिंसिक मसल्स की, ये तो एक्सट्रिंसिक मसल है ना आपका डोर्सिफ्लेक्शन और प्लांटर फ्लेक्शन के लिए, इंट्रिंसिक मसल्स जो आपके छोटे छोटे मसल्स हैं लंबराइकल्स हैं ये वो, उनकी स्ट्रेंथनिंग आप कैसे कर सकते हो, कैसे कर सकते हैं, कोई आइडिया? हो सकता है वन ऑफ। अच्छा, ये ज्यादा जो है ना ये आपका फेशिया को रिलीज करने में ज्यादा हेल्प आउट करता है, ठीक है। स्ट्रेंथनिंग में कोई ना कोई ऐसी आपकी मूवमेंट भी होनी चाहिए, कोई एक्सटर्नल फोर्स भी हो। अब जैसे सिंपल सी एक चीज है, आप जमीन पे ना कुछ छोटे छोटे से मार्बल के पीसेस जो कि एजी ना हो, मतलब वो इंजरी करने वाले ना हो, राउंड होने चाहिए, आप वो जमीन पे जो है वो फैला दो,
आप पेशेंट को कहें कि आपने अपने फुट के जो फिंगर्स हैं उनको फ्लेक्स करते हुए उनको पकड़ना है, ठीक है, और किसी जगह ट्रांसफर करना, वो प्रॉपर आपके मसल्स का यूज होगा। एक चीज चाहे बहुत हल्का सा, उसका कोई एक्सटर्नल लोड कोई खास नहीं है, बट एक टास्क ओरिएंटेड आपकी ये मूवमेंट हो जाएगी। जमीन पे आप कोई कपड़ा बिछा दें और पेशेंट को कहें कि पांव से इसको इकट्ठा करना है, ठीक है। इसके अलावा और क्या चीज हो सकती है? हाँ जी, हाँ, राइटिंग विद टोस। अब वो असल में लिखना नहीं है, कोई आपने ऐसे लिखने के लिए दे देना, कहानी नहीं लिखवानी। सिंपल कि आपके फुट की मूवमेंट इस तरह की होनी चाहिए कि जैसे आपने पेंसिल पकड़ी हुई और आप लिख रहे हैं, ठीक है। तो वो भी आपके जो फिंगर्स के फुट के इंट्रिंसिक मसल्स हैं उनको जो है वो क्या करेगा, स्ट्रेंथन अप करेगा। ये बेसिकली आपके जो फेशिया है उसकी अटैचमेंट साइट्स, ठीक, और यही वो एरिया है जहां पे स्पर्स भी बनते हैं। अच्छा, शिन स्प्लिंट्स क्या होते हैं? नाम सुना है या कभी फील हुआ हो शिन स्प्लिंट्स? टिबिया का जो लोअर टू थर्ड पार्ट है, ठीक है, जहां जो सिर्फ बोनी एरिया है जहां पे मसल्स इतने ज्यादा नहीं होते, जिसको हम शिन पार्ट कहते हैं आपकी बोन का, उस एरिया में कभी पेन फील हुई है चलते हुए? तेज तेज चल के आना हो, और खास तौर पे गौर करना जब आप लोगों ने फ्लैट फुट वेयर जो है वो पहना हुआ, तब ज्यादा होती है। बेसिकली ओवर यूज ही है आपके, अगर जो आपके टिबियालिस इंटीरियर मसल और पोस्टीरियर मसल, ये दो तरह के शिन स्प्लिंट्स होते हैं, इंटीरियर और पोस्टीरियर। इंटीरियर जो मसल है टिबियालिस मसल, इसका बहुत ज्यादा जब ओवर यूज हो रहा होता है, अगर ये वीक है और आप इसका बहुत ज्यादा ओवर यूज कर रहे हो तो ये इन्फ्लेम कर जाता है। इन्फ्लेम करता है तो इस पर्टिकुलर पार्ट में जो आपका टू थर्ड एरिया है टिबिया का, वो पेनफुल हो जाती है। और अक्सर ये चीज आप लोगों ने रनर्स के अंदर देखी होगी, जो नई नई रनिंग करना शुरू करते हैं और थोड़े से जज्बाती हो जाते हैं, बस आज तो जी हमने रिकॉर्ड तोड़ देने, अपने ही रिकॉर्ड तोड़ने। वो अपने रिकॉर्ड तोड़ने के चक्कर में आप अपनी बॉडी को एक अनड्यू जो है ना वो स्ट्रेस के ऊपर लेके जा रहे हो, तो जिसकी उसको आदत नहीं है वो ओवर यूज की तरफ चला जाता है, और ओवर यूज पर आपको क्या करता है, इन्फ्लेमेशन और पेन कॉज करता है। और ये शिन स्प्लिंट समटाइम्स इतने ज्यादा सवेयर होते हैं कि ये आपके माइक्रो टीयरिंग कर देते हैं, सॉरी माइक्रो टीयरिंग कह रही हूँ, फ्रैक्चर्स जो है ना वो, जो हेयर लाइन फ्रैक्चर्स टाइप होते हैं वो क्रिएट कर देते हैं, ठीक है। और इसके अलावा ये है कि इसमें इंटीरियर शिन स्प्लिंट है और पोस्टीरियर इसका टाइप आ जाती है। इंटीरियर में क्या चीज है, पेन इन एक्टिव डॉर्सिफ्लेक्शन, क्योंकि आपका टिबियालिस इंटीरियर मसल जो है ना वो इन्वॉल्व है यहाँ पर, तो एक्टिव डॉर्सिफ्लेक्शन में पेन होती है। और अगर आप प्लांटर फ्लेक्शन में स्ट्रेच देते हैं टिबियालिस इंटीरियर को, तो वो स्ट्रेच की वजह से, वो जो माइक्रो टीयरिंग उसके अंदर आई हुई है इन्फ्लेमेशन की वजह से, वो आपका पेनफुल होता है, ये दो मूवमेंट, ठीक है। ओवर यूज बेसिकली है इसका ये टिबियालिस इंटीरियर का। या इसमें एक और रीजन क्या है कि आपका जो गैस्ट्रोकिनेमियस और सोलियस कॉम्प्लेक्स है ना, ये अगर हाइपोमोबाइल है, यानी इसकी एक्टिविटी बहुत ज्यादा नहीं है, लाइक जब ये ज्यादा नहीं होगा तो वो जो डॉर्सिफ्लेक्शन प्लांटर फ्लेक्शन का इम्बैलेंस आ जाएगा, इम्बैलेंस आएगा वो आपके डॉर्सिफ्लेक्शन अगर उसमें ज्यादा हो रही है तो आपको शिन स्प्लिंट्स कॉज कर सकते हैं। एक और इसके अंदर रीजन है फ्लैट फुट। फ्लैट फुट के जो पेशेंट्स हैं उनके अंदर ये चीज बहुत ज्यादा कॉमन है शिन स्प्लिंट्स का, क्योंकि उनकी मैकेनिक्स जो है ना वो ऑल्टर्ड होती है। इसीलिए आप लोगों ने शायद आप लोगों ने देखा हो, अब बताओ आपको कि जो आर्मी रिक्रूटमेंट होती है उसमें फ्लैट फुट को नहीं लेते, वो क्यों नहीं लेते, क्योंकि उनकी तो स्टैंडिंग बहुत ज्यादा है, वॉकिंग बहुत ज्यादा है ट्रेनिंग वगैरह रनिंग में, तो वो सारी चीजें जो है ना वो शिन स्प्लिंट्स जो है वो कॉज कर सकते हैं, ठीक हो गया। अच्छा, अब पोस्टीरियर की अगर हम बात करें तो पोस्टीरियर नॉक नीज भी नहीं लेते, और पता है आपको नॉक नीज के साथ मैंने आपको बताया था कि एंकल के ऊपर भी आती है आपकी प्रॉब्लम आता है, वो आपकी फ्लैट फुट की तरफ ही जा रही होती है। ये सारी चीजें है ना वो इंटरकनेक्टेड है, अलग अलग कुछ भी नहीं है, ठीक। अच्छा, पोस्टीरियर शिन स्प्लिंट्स में आपका क्या रीजन आ जाती है कि आपका गैस्ट्रोकिनेमियस जो है वो अगर टाइट हो, ठीक है, यानी टीयर जो है वो आपका ज्यादा टाइट है। जो टिबियालिस पोस्टीरियर मसल है वो अगर वीक हो, ये उसकी एक रीजन बन सकती है।
इसके अलावा फुट जो फ्लैट फुट पोस्चर है वो इसके अंदर भी फ्लैट फुट दोनों तरह के शिन स्प्लिंट्स जो है वो कॉज कर सकता है. पेन इन पैसिव डॉर्सिफ्लेक्शन विद ई वर्जन और एक्टिव सुपिनेशन जो है ये आपकी पोस्टीरियर शिन स्प्लिंट्स अगर हो तो उसमें कॉज होती है पेन पर्टिकुलरली इनके अंदर. मसल फटीग विद रनिंग एंड इंक्रीज पेन. अब जैसे जैसे अच्छा ये चीज ऐसी है कि अगर आप ज्यादा करते जाओगे ना रनिंग को अगर आप ज्यादा करते जाओगे ये बढ़ता चला जाएगा. अल्टीमेटली आपको रेस्ट जो है ना उस लेना ही पड़ता है या आप अपनी जो है वो स्केड्यूल इस तरह का करें कि जितनी आपकी बॉडी रिक्वायरमेंट है रनिंग की सिर्फ उतनी ही करें. जब उससे आप ज्यादा जाते हैं शिन स्प्लिंट्स का कॉज बन आप उसकी लिमिट के अंदर रहें. फुटवेयर अपना सही रखें. आपके जो फुट की अलाइनमेंट है पेशेंट के एंड पे देखने वाली चीजें वो यही है कि आप उसकी अलाइनमेंट के ऊपर काम करें. आप उसके मसल्स को जो है वो स्ट्रेंथन अप करें. ठीक है उसको प्रॉपर गाइड करें कि आपका फुटवेयर एक्चुअली होना कैसा चाहिए. ये सारी चीजें जो है वो आपके फिर शिन स्प्लिंट्स के ट्रीटमेंट में आती हैं. मसाज थेरेपी आप दे सकते हो. कोल्ड थेरेपी क्योंकि फॉरन फॉरन इन्फ्लेमेशन है वो आप कोल्ड थेरेपी से रिड्यूस कर सकते हो. आप मसाज थेरेपी दे सकते हो. स्ट्रेचेस जो है वो बता सकते हो. अगर गैस्ट्रोकिनेमियस का टाइट है आप स्ट्रेचेस बता सकते हो. टीए जो है टिबियालिस इंटीरियर उसकी स्ट्रेंथनिंग आप करा सकते हो. ठीक हो गया. ये सारी चीजें आप पेशेंट के एंड पे जो है वो एज अ ट्रीटमेंट कर सकते हो. बेसिकली ये पार्ट है वो जो शिन स्प्लिंट में रेड एरिया आपको नजर आ रहा होगा ये पेनफुल होता है. डॉर्सिफ्लेक्शन ही तो पेनफुल होगी ना अगर इंटीरियर का केस है क्योंकि जब भी आप डॉर्सिफ्लेक्स करोगे एक्टिव डॉर्सिफ्लेक्शन में पेन आती है. प्लांटर फ्लेक्शन में पेन नहीं आएगी. है डॉर्सिफ्लेक्शन का ही ये पेन. ठीक है रीजन फर्क है. मसल्स जो इन्वॉल्व है वो फर्क है इंटीरियर और पोस्टीरियर के. ये आपकी स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज हो सकती है इंट्रिंसिक मसल्स के लिए. ठीक है स्प्रिंग्स हैं वो आपका वेट जो है वो स्प्रिंग के वेट के ऊपर डिपेंड करता है. आप पेशेंट को कहें कि आपने इसको जो है वो प्रेस करना है इसको मूव करना है जितना आपकी फोर्स लगेगी जितनी आपकी स्ट्रेंथ होगी ये आप काम कर सकते हैं. या वो दूसरी चीज जो मार्बल एक्सरसाइज में आपको बोल रही थी कि आप उंगलियों से जो है उसको ग्रैब करें. अक्सर वैसे ये हम काम करते होते हैं जब हम बहुत ज्यादा हड़ हरामी दिखा रहे होते हैं ना जमीन पे कोई चीज पड़ी हुई है उठ के नहीं उठानी पाँव से पकड़ी और वो कर लिया तो चादर भी ठीक कर लेते हैं. यस अब आइडिया होगा क्या. हाँ फ्लैट तो बेटा वैसे भी नहीं पहनने चाहिए. जनरली भी फ्लैट फुट अच्छी चीज नहीं है. जो फ्लैट फुट वेयर है ना एक इंच की जो हील होती है ना सोल फुट जो होते हैं वो पहननी चाहिए. अगर आप फ्लैट फुट वेयर पहनना चाहते हो उसमें एक इंच ये जैसे खुद से है ये बिल्कुल फ्लैट है आपने बिल्कुल फ्लैट पहना ये प्रोलॉन्ग जो है ना यूज इसका खराब होता है. अगर आपको शौक भी है ना आप अल्टरनेट करते रहो सारी तरह के फुटवेयर पहनो हील्स भी पहनो जरूर पहनो लेकिन उसको प्रोलॉन्ग यूज नहीं करो उसको अल्टरनेट करते रहो. मैम लेकिन जो आर्मी में तो वो फ्लैट फुट ही यूज करते हैं उनका तो प्रोलॉन्ग होता है. कौन यूज करते हैं मैम आर्मी में तो फ्लैट उनके तो हाई हील फुट्स होते हैं फुटवेयर वो तो उनका सोल ही अच्छा खासा जो है ना 2 inches मेरा ख्याल है हाई होती है उसकी. वो फ्लैट फुटवेयर तो यूज कर ही नहीं सकते बेटा उनके तो बूट्स ही बड़े हैवी किस्म के होते हैं हाई एंकल बूट्स भी मेरा ख्याल है उनको बोलते हैं शायद है ना वो भी पहनते हैं. अच्छा चले ये हमारा लेक्चर था. यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम कोई चीज समझ ना आई हो आज बताओ आज से समझ आए. ये हमारा था आई थिंक 14th lecture. मैम टोटल लेक्चर थ्योरी रिलेटेड अभी 4-5 और होंगे और फिर आपके प्रैक्टिकल्स होंगे कोई 20 से ऊपर तो चले ही जाएंगे. हाँ अब उधर ही आने लगी हूँ. मिड्स की अभी डेट शीट फाइनल नहीं है लाइक मुझे अभी तक डेट नहीं पता चली है बट मे बी नेक्स्ट वीक में आपके स्टार्ट हो सकते हैं. ठीक है हाँ तो बस उसी के हिसाब से आप अपना माइंड में रखो वो आपको ईमेल आ जाएगी. तैयारी तो करो ना तैयारी तो रखो अपनी. आप पढ़ने की तरफ ध्यान दो बाकी खैर मैम हमारे मिर्च में कितने लेक्चर्स आएंगे.
मैं वही बताने लगी हूँ बेटा, मैं वही बताने लगी हूँ। मैम आप हमें मेल कर दीजिएगा लेक्चर्स कितने होंगे। नहीं नहीं मैं अभी बता देती हूँ, अभी सुन लो ना। अच्छा जी आपका जो स्पाइन का जो आपका बेटा चैप्टर है, मैं चैप्टर नंबर लिख देती हूँ। चैप्टर 14। हाँ जी नहीं नहीं थोड़े हैं, हाँ उसमें नर्व भी है। नर्व का फिलहाल हम उसमें ऐड नहीं कर रहे, ठीक है। नर्व्स को मैं निकाल रही हूँ, पहले दो चैप्टर्स उसके निकाल रही हूँ। चैप्टर नंबर 14 है, चैप्टर नंबर 15 है, उसके बाद आप लोगों का चैप्टर नंबर 20 है, दैट इज अ हिप चैप्टर, और उसके बाद चैप्टर नंबर 21 जो मैम हमें लेक्चर बता दें। हाँ जी मैं अभी लेक्चर्स भी बताती हूँ, पहले जरा ये सुन लीजिए। चार चैप्टर्स बेटा इंक्लूडेड हैं, चैप्टर नंबर 14, 15 ये आपके स्पाइन से रिलेटेड है, चैप्टर नंबर 20 है हिप का, और चैप्टर नंबर 21 है नी का। अब इसके लेक्चर्स जो है ना वो लिख लीजिए, जो कि मैंने आपको जिस तरह से लेक्चर नंबर्स जो है ये जनाब आपके बनेंगे लेक्चर नंबर 3 से लेके लेक्चर नंबर 8 तक, ये आपके स्पाइन के हैं। इसमें से स्पाइन की जो इंटरवेंशन है जो कि सिर्फ एक्सरसाइजेस थी वो इंक्लूडेड नहीं है, ठीक है। मिड्स में रिटर्न में वो इंक्लूडेड नहीं है, ठीक हो गया। हाँ वो सारा फिलहाल मिड्स में नहीं है, वो हम वाइवा में रखेंगे। इसके बाद आपका लेक्चर नंबर 10 से लेके लेक्चर नंबर 13 तक, ठीक हो गया। टोटल आपके ना 10 लेक्चर्स बनते हैं। हाफ सिलेबस जो है वो आपका मिड्स के अंदर कवर हो रहा है, ठीक है। इसमें से कुछ पार्ट आप क्विज के लिए भी प्रिपेयर कर चुके हुए हो, ठीक है ना। यस मैम। हाँ मेरी मेरी कोशिश मैम आपने लेक्चर नंबर 3 से बोला था ना। हाँ जी सामने लिखा हुआ बेटा, स्क्रीन शेयर नहीं हो रही इस टाइम। नो मैम हमारे साथ स्क्रीन शेयर तो नहीं हो रही। ओ सॉरी, चले अभी हो रही होगी ना। यस मैम। चले क्या चाह रही थी। हाँ मेरी कोशिश ये है कि हम मिड्स जब आप लोग दे लोगे ना तो हम अपनी लैब्स जो है ना वो पहले रखें, ठीक है, क्योंकि उसके बाद आना है आपका वाइवा, तो वाइवा जो है ना वो फिर थोड़ा सा प्रैक्टिकल रिलेटेड होगा। होना भी यही चाहिए, आपका मैनुअल सब्जेक्ट है तो उसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस होनी चाहिए, ठीक है। तो हम कोशिश करेंगे कि क्योंकि लेक्चर जो है तो थ्योरेटिकल रह गया है, अपर लिम रह गया हमारा सिर्फ, एंकल आज हमने खत्म कर लिया है, अपर लिम हमारा रह गया, 3 जॉइंट्स उसके रह गए, शोल्डर थोड़ा सा लंबा है शायद उसमें 1-2 लेक्चर्स लग जाए, बाकी आपका 1 एल्बो का 1 रिस्ट का, हमारा वैसे थ्योरेटिकल जो है ना वो थोड़ा सा ही है। अब हम फोकस करते हैं कि अपना प्रैक्टिकल ज्यादा अच्छा स्ट्रॉन्ग कर लें, उसी में से फिर वाइवा हम रखेंगे। स्पाइन का जो एक चैप्टर इंटरवेंशन का रह गया है वो आपका जो है वो वाइवा के अंदर होगा, और बाकी जो आपकी इंटरवेंशन रिलेटेड एक्सरसाइजेस हैं ये वो सारा कुछ ये आपकी फिर हम वाइवा के अंदर रखें, ठीक है। इतराज तो नहीं है सिलेबस के ऊपर। नो मैम। इसकी ईमेल भी आ जाएगी, अनाउंसमेंट्स भी मैं उसमें LMS पे अनाउंस भी कर दूंगी। अब किसी को कोई यहाँ पे कोई बात पूछनी हो, कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ लीजिए। हाँ ऑन कैंपस होगा मैम, मिड्स का ऑनलाइन होगा या ऑन कैंपस। बेटा मिड्स का मुझे नहीं पता अभी तक कि ऑन कैंपस है कि ऑनलाइन। एक्सक्यूज मी मैम, मेरी ना नेट इशू था, लास्ट टाइम भी मेरी क्लास वो सारी वो गुजर गई थी, मैं काफी देर के लिए कनेक्ट करती रही लेकिन हुई नहीं,
तो अभी भी लेट हुई है आज भी, तो वो अटेंडेंस मार्क हो जाएगी? हाँ जी हो जाएगी बेटा जी, कोई मसला नहीं। मैम मैंने ना 15 मिनट लेट ज्वाइन किया था, मेरा नेट मेरा भी इशू कर रहा था। थैंक यू मैम। तो मैम मेरा नेट इशू, कोई बात नहीं, अटेंडेंस लग जाएगी बेटा। मुझे अटेंडेंस का मसला नहीं होता, मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था, बस पढ़ लिया करो, बाकी खैर है। ओके मैम, थैंक यू मैम, जल्दी बता देंगे, जल्दी बता देंगे मैम। लेकिन यूनिवर्सिटी वाले करते हैं इशू अटेंडेंस की। चले आप अपने तौर पे तो उसको पूरा रखें, लेकिन बहरहाल मेरी तरफ से आज सिर्फ जो है ना वो अटेंडेंस का इशू नहीं है, मैं लगा दूंगी, ठीक है, कोई मसला नहीं। चलो मैम, जो मसल सेटिंग था वो जरा दोबारा बता दें। बताओ भाई, कौन बताएगा? मैम आवाज नहीं आ रही। मैं बताती हूँ। बेटा मसल सेटिंग एक्सरसाइजेस हैं, आपकी आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शंस होती हैं अगेंस्ट मिनिमम टू नो रेजिस्टेंस, बाय डेफिनेशन इसको हम कहेंगे आइसोमेट्रिक एक्सरसाइजेस अगेंस्ट मिनिमम और नो रेजिस्टेंस, ठीक है। अब मिनिमम और नो रेजिस्टेंस क्या होगी? जो आपकी नेचुरल रेजिस्टेंस है, ग्रेविटी है, बॉडी वेट है, एयर रेजिस्टेंस, बस इसी के अगेंस्ट अगर आपका पेशेंट एक्टिवली आइसोमेट्रिक परफॉर्म कर लेता है, दैट इज मसल सेटिंग एक्सरसाइज, ठीक है जी। चले अच्छा, आप लोग जो यहाँ पे बैठे हुए हो, ये जरा मुझे अटेंडेंस तो दे दो अपनी। बेटा मैं पेपर लेके ना मुझे उस पर अटेंडेंस दे दो। हाँ जी हाँ बिल्कुल है। नहीं नहीं सर्जरी की तरफ तो हम बाद में जाएंगे, सर्जरी से पहले अब इसी के ऊपर लगा दो। थोड़ा पहले लगा लो टेंडर बताते हैं। चले ऑनलाइन स्टूडेंट्स, बेटा मैं एंड कर रही हूँ लेक्चर को, ठीक है, कोई प्रॉब्लम हो तो नेक्स्ट टाइम पूछ लीजिएगा। ओके मैम, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़ मैम। अल्लाह हाफिज़।